Yoga, yoga. शम्भ बदराव प्रेम का ए जी बदरा उठा प्रेम का रे हम पर बरसाए हर शीले हो गए आत्मा और हरी भरी बनरा धीर सुना भाई साधो धम् मरणं करुण मिलनं मधुर स्मरण वश्या सकलं करुण समयादिपते अकिलं करुण नमस्कारम, आप सभी को नमस्कारम, आप जहां भी हूं मेरे ख्याल से आप में से ज्यादातर लोग घर पर हैं तो आप सब खबरें तो जानते ही हैं हर देश अपनी आर्थिक गतिविधि को फिर से चालू करने की कोशिश कर रहा है लोग आतुरता से वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग जो जहां कहीं फंस गए कह थे वहां से घर वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग घर में फंसे हुए हैं वो बाहर निकलने के लिए आतुर हैं आप देख रहे हैं कि लोगों का एक समूह जो घर से दूर है वो आतुरता से घर वापस जाना चाह रहा है लेकिन कई लोग जो समय से घर पहुंच गए थे और लगभग आठ हफ्तों से घर में बंद हैं वो बाहर निकलने के लिए आतुर हैं तो ये 2020 कई तरीकों से हमारी जीवन की यादों में एक अनोखा साल रहने वाला है दो हजार बीस के बारे में आपके लिए एक छोटी सी कविता इसका शीर्षक है वर्ष 2020। दरवाजे बंद खुली खिड़कियां चिंतित भयभीत लेकिन आशावान आंखें खोज रही उस अदृश्य मायावी वायरस या उसके वाहकों को अनदेखा और अपनी सूक्ष्मता में छुपा हुआ जिसने मजबूर कर दिया दुनिया को अपने घुटने टेकने पर कर रहा है नृत्य जब समझदारों को समझा जा रहा है डरपोक और बड़े बहादुर गए हैं मर नीम हकीमी समाधान ढेरों हैं अनजान सूक्ष्म आगंतुक की प्रकृति से मानवता है हैरानी में टूट गया अभिमान उभराया सबसे बेहतर और सबसे बदतर अलग अलग किस्मों से एक चुनौती हमारे समय की तो मैंने ये भी सोचा कि मुझे इसकी किसी तरह की छवि बनानी चाहिए तो उसके लिए उसकी एक छोटी सी पेंटिंग है जिस दुश्मन का सामना कर रहे हैं जब आप उसकी प्रकृति को नहीं जानते तो आप बस ताक ही सकते हैं और हम वाकई सिर्फ यही कर रहे हैं हमें लगता है कि हम कई चीजें कर रहे हैं असल में हम बस ताक रहे हैं कुछ देख नहीं रहे हैं बस इसे ताक रहे हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं और मैंने पहले भी यह कहा है हमने इसके बारे में कुछ भी नहीं किया है क्योंकि हमें इसके बारे में ज्यादा पता ही नहीं है यह ठीक नहीं होगा कि हम इसकी तुलना स्पैनिश फ्लू से करें या बुबोनिक प्लेग से जिसे काली मौत कहा गया था क्योंकि ये उतना उग्र नहीं है यह हल्का है बस हमें परेशान कर रहा है यह हमें मारेगा भी लेकिन उन चीजों की तरह नहीं जो अतीत में आई और उन्होंने एक कस्बे या एक गांव की पूरी आबादी का सफाया कर दिया ये एक अलग तरह का है यह हमें एक अलग तरह से नुकसान पहुंचाएगा तो अपनी गतिविधियों में समझदार रहकर सावधान रहकर और सतर्क रहकर हम इस पर पकड़ बना सकते हैं लेकिन अब तक अतीत में जब भी इस तरह के वायरस हुए हमें कभी भी कोई समाधान नहीं मिला ये समय के साथ साथ हुआ या तो वायरस अपने ही किसी हल्के रूप में बदल गया या हमने समय के साथ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली और हम उससे बाहर निकल आए लेकिन हमें कभी एक असली हल वाकई नहीं मिला कि ये सारी चीजें जिनका दावा किया जा रहा है कि दो महीने में तीन महीने में वैक्सीन आने वाली है ऐसी चीजें नहीं हुई हैं ऐसा नहीं है कि इस बार भी इसे नहीं होना चाहिए लेकिन हम पहले ही जान गए हैं कि वायरस की दस से ज्यादा नस्लें हैं हम वैक्सीन कैसे बनाने वाले हैं अगर हम एक वैक्सीन बना भी लें तो हम इसे सात अरब लोगों को कैसे लगाने वाले हैं दस वैक्सीनें? है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होगा तो एकमात्र तरीका है अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाना एकमात्र तरीका है सामाजिक रूप से एक जिम्मेदार बर्ताव करना आगे बढ़ने का यही तरीका है और कम से कम अगले एक या दो साल के लिए ये एक नई दुनिया होगी ये उससे एक अलग दुनिया होने वाली है जिसमें हम रहते रहे हैं अभी कई चीजें की जा रही हैं मैं एक चीज के बारे में आपको बताना चाहूंगा खासकर वो लोग जो अमेरिका में हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और उसके साथ बेथ बेथ इज़राइल हॉस्पिटल मेडिकल सेंटर के साथ मिलकर अमेरिका में दोनों मिलकर शोध कर रहे हैं कि कैसे योग का अभ्यास करने वाले लोग जो लोग योग के कुछ अभ्यास करते रहे हैं वे इस वायरस के प्रति कैसे रिस्पोंड करते हैं उनका लचीलापन कैसा है क्या वे बेहतर सरवाइव कर रहे हैं मुझे सौ प्रतिशत यकीन है कि वे बेहतर सरवाइव कर रहे हैं लेकिन हमें क्या कहें इसके लिए मेडिकल सबूत चाहिए लेकिन मुझे सौ प्रतिशत यकीन है क्योंकि मैंने एक भी ऐसा मामला नहीं सुना है जहां हमारे किसी साधक की मौत हुई हो उनमें से कुछ ने उनमें से कुछ ने अपने माता पिता को खोया है बुजुर्ग रिश्तेदारों को खोया है लेकिन साधक नहीं उनके रिश्तेदार तो योग खून से नहीं आता आपको इसे करना होगा इस कम्बक चीज के साथ सिर्फ यही एक समस्या है यह जादुई तरीके से काम करता है लेकिन आपको इसे करना होगा आप अपने डॉक्टर से नहीं कह सकते कि वो आपके लिए योग करे यह उस किस्म का नहीं है तो वे ईशा योग का अभ्यास करने वाले पाँच हजार लोगों के सैंपल ले रहे हैं जो लोग इनर इंजीनियरिंग के अभ्यास और दूसरे अभ्यास कर रहे हैं तो आप में से जो लोग अमेरिका में हैं और इसके लिए रजिस्टर कराना चाहते हैं कृपया कर लें और वे योग का अभ्यास न करने वाले दस हजार लोगों के भी सैंपल लेंगे और वे शायद अगले तीन से चार महीनों में अपने अध्ययन के नतीजे पर पहुंचेंगे कि इन लोगों में क्या अंतर है मुझे सौ प्रतिशत यकीन है कि अंतर होगा लेकिन अगर आप अभ्यास कर रहे हो तभी <laughs> तो प्लीज आप लोग ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो अमेरिका में रहते हैं तो प्लीज आप में से जो लोग अमेरिका में हैं इसके लिए रजिस्टर कीजिए क्योंकि यह दुनिया के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है ये मानवता के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि वे अनुमान लगा रहे हैं कि अगले आठ से चौदह सालों में विभिन्न कारणों से और महामारियां आ सकती हैं ऐसे कुछ अनुमान हैं ये वैज्ञानिक गणनाएं दुनिया में हो रही कुछ चीजों कुछ प्रवृत्तियों पर गौर करके की गई हैं वे कह रहे हैं कि अगले आठ से चौदह सालों में एक और महामारी आएगी और शायद वो हम नहीं जानते कि वो किस तरह की होगी ये और ज्यादा उग्र भी हो सकती है ये एक बड़ी आबादी को खत्म कर सकती है लेकिन उससे पहले हमें यह पक्का करना चाहिए कि पूरी आबादी योग कर रही हो आज सुबह मैं बस बाहर टहल रहा था और यह मेरे लिए कोई नई बात नहीं है लेकिन वो पल कुछ ऐसा था कि मैंने एक छोटी सी कविता लिखी क्या मैं आपको इससे यातना दे सकता हूं तो इसका शीर्षक है ओह मिट्टी मिट्टी की सुगंध किसी तरह मेरे लिए ज्यादा कोमल है रोचक फूल की सुगंध से मिट्टी की सुगंध किसी तरह मेरे लिए ज्यादा कोमल है रोचक फूल की सुगंध से जीवन की शक्ति और संवेदनशीलता जो मौजूद है मिट्टी में उभारती है एक अलग किस्म के जुनून की तरंगें जुनून किसी इंसान का नहीं बल्कि मेरी प्रजाति का जो हो गई है असंवेदनशील जीवन की शक्ति और संवेदनशीलता जो मौजूद है मिट्टी में उभारती है एक अलग किस्म के जुनून की तरंगें, जुनून किसी इंसान का नहीं बल्कि मेरी प्रजाति का जो हो गई है असंवेदनशील उस सब के प्रति जो इसे पोषित करता है और अंत में इसे खुद में समा लेता है घूमता हूं मैं जैसे नंगे पांव रो पड़ता हूं मैं इतने गहन जुनून से कि है ये हर वर्णन के परे घूमता हूं मैं जैसे नंगे पांव रो पड़ता हूं मैं इतने गहरे जुनून से कि है ये हर वर्णन के परे ओह मिट्टी मेरा जीवन ज्यादातर लोग मरने के बाद ही मिट्टी से संबंध बनाते हैं लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप मिट्टी के साथ संबंध तब बनाए जब आप जीवित हों। मैं कहूंगा कि खासकर अब इस वायरस की मौजूदगी में मेरा विश्वास कीजिए आप में से जो लोग किसी न किसी तरह से मिट्टी के संपर्क में हैं यहां हम इसे पृथ्वी प्रेम सेवा कहते हैं इसका मतलब है मिट्टी से बहुत प्रेम के साथ जुड़ना तो आपके जीने की क्षमता आपके जीवन पर इस तरह के आक्रमणों का प्रतिरोध करने की आपकी क्षमता बहुत बहुत बढ़ जाएगी ये काफी नहीं है कि आप बस जिंदा रहें यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप मजबूती से जिएं। मजबूती से जीने का मतलब यह नहीं है कि आप बड़ी बड़ी मसल्स बनाएं और किसी पर हावी हो जाएं। मजबूती से जीना यानी यहां जीवन बड़े पैमाने पर होता है इसके लिए आपको एक ऐसे शरीर की जरूरत है जो पूरी धरती को अपना ही एक विस्तार मानता है जो कि यह है हर दिन आप इसमें से कुछ ले रहे हैं और कुछ वापस दे रहे हैं आप हर दिन टट्टी करते हैं या नहीं मैं बस चेक कर रहा हूं क्योंकि कब्ज कब्ज वाले लोग न सिर्फ शरीर में मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्हें यहां कब्ज है बहुत से लोगों को यहां कब्ज है वो शुरू कर देंगे मैं कहां वापस कर रहा हूं मैं क्या ले रहा हूं नहीं नहीं आप खाते हैं और आप टट्टी करते हैं इसका मतलब है कि आप वापस दे रहे हैं आपकी सांस चल रही है यानी आप ले रहे हैं और वापस दे रहे हैं तो ये धरती का एक विस्तार है या आप इसे अपना आई बना सकते हैं हां यह है अगर आप सांस नहीं ले सकते हैं तो वे आपको ऑक्सीजन पर डालेंगे उसे भी वायुमंडल से ही लिया गया है कहीं और से नहीं वो कहीं और से नहीं आई है चाहे आप दवा लेते हो वो धरती से आती है आप खाना खाते हैं वो धरती से आता है आप सांस लेते हैं वो धरती से आती है वो आपको ऑक्सीजन पर डालते हैं वो धरती से आती है तो ये धरती आपका एक विस्तार है या मैं आपको अपने जीवन को इतना बढ़ा चढ़ा कर देखने का मौका क्यों दे रहा हूं लेकिन असलियत यह है कि आप इस धरती पर बस एक पॉपअप हैं आप पॉपअप होते हैं और पॉप डाउन हो जाते हैं हां जहां तक धरती माँ का सवाल है वो आपकी मूर्खता पर दया करते हुए आपकी ओर देख रही हैं क्योंकि उनके दिमाग में आप बस रिसाइकिल हैं वे बस खुद को रिसाइकिल कर रही हैं लेकिन आप खुद को इतनी गंभीरता से ले रहे हैं इतनी गंभीरता से उफ यकीन ही नहीं होता कि इंसान खुद को क्या मानते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप जीवन में इसे लाएं। आप सभी जो यहाँ ईशा योग केंद्र में हैं हम आपके लिए कुछ प्रक्रियाएं निर्धारित करेंगे ताकि आप में से हर एक कम से कम तीन दिनों में एक बार आपके हाथ और पैर मिट्टी में हों ये बहुत जरूरी है और आप आप जहां भी हैं अगर आपके पास एक छोटा सा बगीचा है या आप वॉलेंटियर कर सकते हैं कि आप किसी और के बगीचे में काम करेंगे मेरा विश्वास कीजिए हाँ उन्हें मुफ्त का मजदूर मिलेगा लेकिन ये मत सोचिए कि उन्हें ज्यादा मिल रहा है आपको कहीं ज्यादा मिल रहा है क्योंकि आपका मिट्टी से जुड़ा होना एक जबरदस्त अंतर पैदा करेगा आपके भौतिक शरीर के काम करने के तरीके में हर किसी को इसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना चाहिए कम से कम जाकर सड़क साफ कीजिए कुछ कीजिए अपने हाथों को मिट्टी में डालिए यह बहुत जरूरी है वरना आप में से जो लोग कुछ ज्यादा ही अमीर हैं और आप नहीं चाहते कि कोई आपको काम करते देखे क्योंकि यह आपकी संपन्नता के लिए गलत छवि बना सकता है आप मट बाथ ले सकते हैं हां वो भी एक तरीका है क्या मैं आपको कुछ और पेंटिंग्स के साथ यातना दूं? देखिए मैं काम करता रहा हूं क्या क्या आप में से किसी ने लाल रंग का मोर देखा है नहीं देखा अरे जब बचपन में जब मैं मैसूर के चिड़ियाघर में जाया करता था वहां एक लाल रंग का मोर हुआ करता था वो बहुत दुर्लभ होते हैं लेकिन कभी वो पैदा हो जाते हैं किसी तरह के बदलावों वगैरह के कारण सफेद मोर होते हैं आपने उन्हें देखा है सफेद मोर होते हैं और लाल मोर भी होते हैं तो बचपन की यह याद मेरे मन में मजबूत थी और मैंने सोचा कि मुझे किसी चिड़िया का चित्र बनाना चाहिए शुरू में मैंने सोचा कि मैं एक बाज बनाऊंगा लेकिन अगर आप उसे करीब से देखें तो वो कुछ ज्यादा ही ऐसा दिखता है फिर एक मोर बगल से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि मैं एक मोर बनाऊंगा लेकिन उसके रंग मेरे लिए बहुत जटिल थे मेरे ख्याल से ये किसी के लिए भी बहुत जटिल है अगर आप मोर पर पर्याप्त ध्यान दें तो हर पल हर हरकत और रंग के शेड के साथ उसके रंग बदल जाते हैं मुझे नहीं लगता कि कोई भी उसका चित्र बना सकता है फिर मेरे बचपन से ये लाल मोर वापस आ गया तो ये यहाँ है तो इसमें सिर्फ लाल मिट्टी और सभी प्राकृतिक चीज़ें हैं सिवाय जो थोड़ा सुनहरा रंग जो आप देख रहे हैं वो एक्रेलिक है बाकी सब प्राकृतिक रंग हैं और मूल रूप से मिट्टी okay. इसका कोई अर्थ नहीं है यह सिर्फ एक पेंटिंग है ठीक है <laughs> तो हम लॉकडाउन के अंत के करीब पहुंच रहे हैं कितने दिन चौसठ दिन भारत में हम कितने दिनों से लॉकडाउन में रहे हैं मेरे ख्याल से साठ दिनों से कुछ ज्यादा शायद लॉकडाउन कुल 64 दिनों का होने वाला है हम उसके अंत के करीब पहुंच रहे हैं इकतीस तारीख को उसका अंत होगा लेकिन कल से कुछ डोमेस्टिक फ्लाइट्स शुरू होने वाली हैं लेकिन अगर आप इस हवाई जहाज के अंदर जाते हैं तो सभी होस्टेसेस और दूसरे लोगों को देखकर आपको लगेगा कि आप आईसीयू के अंदर जा रहे हैं उन्होंने वैसे कपड़े पहन रखे होंगे और आप खुद भी बेशक आपके पास एक मास्क है और एक शील्ड है और हर तरह की चीजें ठीक है मैं नाव से अमेरिका जाने की सोच रहा हूं कम से कम समुद्र में रहिए उसमें तीस या चाहे जितने दिन लगें समुद्र में कोई आपको इन्फेक्ट नहीं करेगा क्योंकि हवाई जहाज एक समस्या होने वाला है जो लोग कहीं जाने के लिए बहुत ज्यादा बेताब हैं। सिर्फ उन्हें इसका प्रयोग करना पड़ेगा वरना भी उससे बचना ही बेहतर होगा क्योंकि उसमें हवा अंदर ही अंदर घूमती रहती है अगर एक व्यक्ति को किसी तरह का वायरस का इंफेक्शन है तो लगभग सभी 200 लोगों को वो इंफेक्शन लग सकता है तो ये एक बदली हुई दुनिया है ये हम जिस तरह हवाई यात्रा करते हैं उसमें 9 सितंबर के हमले के बाद जबरदस्त बदलाव आया था आपको सावधानी से चलना होगा अगर आप अचानक खेलते हैं तो लोग आपके ऊपर बंदूकें तान देंगे अब ये उससे भी खराब है ये उससे भी ज्यादा बड़ा है अब हवाई यात्रा वाकई में एक समस्या बनने वाली है और काफी तकलीफ देह कम से कम कुछ समय के लिए हमें नहीं पता कि कब तक किसी को नहीं पता कि कब तक क्योंकि किसी को भी अभी तक वायरस की रणनीति पता नहीं चली है किसी को भी वाकई पता नहीं है हर कोई अंदाजे लगा रहा है ऐसा कोई वैज्ञानिक आंकड़ा नहीं है जो कहे कि यह ऐसा है वायरस ऐसा करेगा हम इसके साथ ऐसा कर सकते हैं ऐसी कोई चीज नहीं है हम केवल इन चीजों की बात कर रहे हैं कि इंसान क्या कर सकते हैं ताकि वायरस हमारे समाज में बहुत ज्यादा न फले फूले तो भारत में हवाई यात्रा शुरू होने वाली है लेकिन हमें उसके नतीजे देखने होंगे मेरे ख्याल से तमिलनाडु ने इस राज्य में हवाई यात्रा के लिए अनुमति नहीं दी है क्योंकि हर राज्य को अपने खुद के निर्णय लेने की आज़ादी दी गई है मेरे ख्याल से तमिलनाडु अभी शुरू नहीं करना चाहता है क्योंकि चेन्नई अभी बंद है मेरे ख्याल से आज या कल एक दिन का कर्फ्यू होने वाला है या ऐसा कुछ रविवार मेरे ख्याल से यह आज था ऐसा इसलिए है क्योंकि बड़े शहरों में ही ये तेजी से फैला है चेन्नई मुंबई अहमदाबाद दिल्ली इनमें संख्या बहुत ज्यादा है सौभाग्य से बाकी का देश जहां गरीब आबादी रहती है वहां ज्यादा कुछ नहीं हुआ है ज्यादातर देश देश का करीब 60 पैंसठ प्रतिशत हिस्सा पूरी तरह से कोविड से मुक्त है और कोयम्बतूर भी कोविड मुक्त है लेकिन एक शहर में ये किसी भी दिन बाहर से आने वाले यात्रियों के साथ आ सकता है लेकिन ग्रामीण भारत ने बहुत अच्छे से मोर्चा संभाल रखा है हालांकि लाखों प्रवासी मजदूर रोज की मजदूरी करने वाले लोग शहरों से कई तरीकों से वापस लौट गए हैं लेकिन उसके बावजूद इन्फेक्शन नहीं फैला है शायद ये उनके मिट्टी से जुड़ाव की वजह से है धरती के साथ उनका संबंध इतना मजबूत है उनकी प्रतिरोधक क्षमता इतनी मजबूत है अगर आपने धरती के साथ संबंध बना रखा है वायरस आया उसे धरती में डाल दीजिए नहीं ये ऐसे काम नहीं करता इसे शब्द शहन ना लें। लेकिन निश्चित रूप से उस संबंध का निश्चित रूप से फर्क पड़ रहा है शरीर कितना मजबूत है ये निश्चित रूप से धरती के साथ संबंध से तय होता है आपको वो पुरानी कहानी पता होगी जो मैंने आपको पहले बताई थी एक बार अमेरिका से आठ दस डॉक्टर यहाँ योग केंद्र में आए थे ये काफी पहले की बात है मेरे ख्याल से 22-23 साल पहले मैंने उनसे यहाँ के योगिक अस्पताल के बारे में बात की थी तो वे यहाँ आए वे यहाँ तीन दिनों तक रुके और सुबह सुबह मुझे फोन आया हमारे ऑफिस ने मुझे फोन किया और कहा सदगुरु ये सारे डॉक्टर बहुत गुस्सा हैं और वो जाना चाहते हैं मैंने पूछा क्या हुआ वे योगिक अस्पताल को लेकर नाराज हैं मैंने कहा ठीक है मैं उनसे मिलूंगा फिर मैं उनसे मिला और मैंने पूछा कि क्या दिक्कत है उन्होंने कहा योगिक अस्पताल कहाँ है आपने कहा था कि यहाँ एक योगिक अस्पताल है वो कहाँ है हमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा तो उन्हें लगता है कि अस्पताल यानी बिस्तर नर्स हर कोई आपकी सेवा कर रहा हो जब आप किसी की इतने अच्छे से सेवा करते हैं तो वो बीमार रहना चुनेंगे मैंने कहा आपको लगता है कि अस्पताल वैसा होता है एक यौगिक अस्पताल वैसा नहीं होता एक चीज तो यह है कि सभी बीमार लोग सुबह पांच बजे उठ जाते हैं साढ़े पांच बजे वो गुरु पूजा करते हैं फिर साधना और फिर मैंने उन्हें बगीचे के काम में लगा रखा है उन्हें बगीचे में काम करना ही होगा फिर उन्हें किचन में काम करना होगा और फिर वो थोड़ी देर आराम करेंगे शायद दूसरों से थोड़ा ज्यादा और वे फिर दोपहर दो बजे से काम पर लग जाते हैं और यही इलाज है मैं आपको दिखा सकता हूं कि वो कहाँ हैं फिर मैंने उनसे सारे बीमार लोगों का परिचय कराया कि वे किन दिक्कतों के साथ आए थे और कैसे वे बेहतर हो रहे हैं उनमें से कुछ बेहतर हैं कुछ अभी अभी आए हैं कुछ पूरी तरह से ठीक हो गए हैं मैंने कहा यह मेरा अस्पताल है ये होटल नहीं है ये अस्पताल है यानी कि आप ठीक होने के लिए आए हैं स्टाफ की सेवा का आनंद लेने के लिए नहीं <laughs> तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और अभी लोग काम करने के लिए बाहर निकल रहे हैं ये एक अच्छी चीज है लेकिन साथ ही इसे संभल कर करना होगा केवल लॉकडाउन की प्रतिक्रिया में अगर आप बाहर निकलते हैं तो हम शायद भयानक नतीजे पैदा करें जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें समझना होगा कि हम जरूरतों के कारण बाहर हैं लॉकडाउन की प्रतिक्रिया में नहीं जैसा कि कुछ देशों में हो रहा है लोग बड़ी बड़ी पार्टियां दे रहे हैं और ये कर रहे हैं और धार्मिक सभाएं कर रहे हैं कल जर्मनी में 40 लोग जिन्होंने चर्च के मास में हिस्सा लिया था उनके टेस्ट पॉजिटिव आए हैं लगभग 75 में से 40 लोग तो इसका क्या तुक है क्योंकि प्रतिक्रिया में या तो धार्मिक प्रतिक्रिया या वे लोग जो स्वर्ग जाना चाहते हैं वो एक प्रतिक्रिया करते हैं जो यही मजे करना चाहते हैं वो दूसरी प्रतिक्रिया करते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इसे ये जानकर किया जाए कि हम बाहर निकल रहे हैं क्योंकि ये हमारी जिंदगी की जरूरत है कि हमें बाहर निकलकर अपना काम करना होगा इस प्रतिक्रिया में नहीं कि चूंकि मैं इतने दिनों से बंद था अब मैं बाहर निकलकर मौज मस्ती करूंगा यह आबादी के लिए बहुत बहुत नुकसानदायक हो सकता है शायद आप खुद प्रभावित ना हो लेकिन आप तबाही ला सकते हैं खासकर समाज की संवेदनशील आबादी के लिए तो यह बहुत 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 महत्वपूर्ण है कि हर कोई खासकर युवा लोग जिम्मेदारी से पेश आए क्योंकि आप हर किसी को खतरे में डाल देंगे और वो खतरा काल्पनिक नहीं है ये मनगणंत नहीं है ठीक है आमतौर पर यह माना जा रहा है कि दुनिया में चार लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं सिर्फ अमेरिका में ही ये संख्या लगभग एक लाख तक पहुंच चुकी है अगले दो तीन दिनों में ये एक लाख के पार चली जाएगी तो एक ही देश में एक लाख लोग मर गए हैं अगर ये सच्चाई नहीं है तो मुझे नहीं पता ये कल्पना नहीं है वायरस और मौतें और लोग जिन दिक्कतों से जूझ रहे हैं वो कल्पना नहीं है वैसे भी ज्यादातर दूसरे लोग जो वैसे भी मरते हैं हर दिन लोगों की किसी न किसी तरह मौत होती है अब हर कोई स्मार्ट गिनती कर रहा है हर देश क्योंकि वे बहुत बड़ी संख्याएं नहीं दिखाना चाहते मान लीजिए कि एक चीज तो यह है कि ज्यादातर देशों में वे अब डेड बॉडीज को टेस्ट नहीं कर रहे हैं यह बहुत बोझल काम है इसका मतलब है कि अगर किसी के घर में कोई मर जाता है तो उनकी जांच नहीं होती तो उसे वायरस वाली मौत नहीं माना जाता वो मर गए और बस हो गया तो अगर आप इसे भी जोड़ें तो शायद अभी जिन आंकड़ों को दिखाया जा रहा है वो असलियत से बहुत बहुत कम है देशों को ऐसा करना पड़ता है ताकि लोग घबरा ना जाए ताकि लोगों में बाहर जाकर अपना काम करने की प्रेरणा बनी रहे हर किसी को यह करना पड़ता है राजनीतिक नेतृत्व को ऐसा करना पड़ता है क्योंकि अगर हर कोई घबरा जाता है तो फिर उसे संभालना ही एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी तो हम उन्हें वो छूट देंगे क्योंकि आखिरकार आपको एक बहुत बड़े जनसमूह को मैनेज करना है यह आसान नहीं है लेकिन व्यक्तिगत इंसानों के रूप में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इसके प्रति जागरूक रहें यह हाईपॉक्सी चीज जो हो रही है यानी आपका ऑक्सीजन का स्तर कम हो रहा है आपको कुछ भी नहीं पता आपको बुखार नहीं है आपको कोई लक्षण नहीं है आपको खांसी भी नहीं आई छींक भी नहीं आई लेकिन आप बस अपने बिस्तर पर लेटे हुए मर सकते हैं ठीक है ऐसा कई लोगों के साथ हो रहा है और उसे गिना नहीं जा रहा है लेकिन ऐसा हो रहा है यह भी वायरस इन्फेक्शन का एक नतीजा है कुछ लोगों को खांसी आती है छींक आती है बुखार आता है हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है कि हम लोगों पर टेम्परेचर गन तान रहे हैं और सिर्फ इसी से कई लोगों को दरवाजों के पार जाने दिया जा रहा है चाहे वो एयरलाइनें हों या ट्रेनें हों या जो भी हो अगर आपका तापमान सामान्य है तो आप अंदर जा सकते हैं लेकिन हो सकता है कि आप सामान्य तापमान के साथ असल में मर रहे हों तापमान में किसी भी बदलाव के बिना तो ये एक अनोखी समस्या है हर एक इंसान को इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा ताकि ये पक्का किया जा सके कि ये एक बड़ी आपदा ना बन जाए तो मुझे पता है कि मैं इस बारे में काफी बातें कर चुका हूं लेकिन दुनिया भर में इंसानों के बर्ताव को देखते हुए मेरे ख्याल से आप में से वो लोग जो साधक हैं आप में से वो लोग जो दूसरों से ज्यादा जागरूक होने का दावा करते हैं आपको अपने जीने के तरीके में अंतर दिखाना होगा और ये पक्का करना होगा कि आपको इन्फेक्शन ना लगे अगर संयोग से, से आपको लग जाता है तो आपको यह पूरी तरह से पक्का करना होगा कि ये आपसे कूद दूसरे इंसान तक ना पहुंचे इतनी सावधानी इतनी जिम्मेदारी हर किसी को दिखानी होगी